वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री यशवंत राव चव्हाण को प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार देने और मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने की अपनी मांगों को आगे बढ़ाएगी। घोषणा पत्र में किसानों को उनके अधिकार के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य का समर्थन देना और उन्हें इसकी सुरक्षा का आश्वासन देना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे और वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल की उपस्थिति में जारी किया। एनसीपी जो अब एनडीए की सहयोगी और महाराष्ट्र में महायुति सरकार में सत्तारूढ़ भागीदार है ने किसानों के लिए जाति आधारित जनगणना और न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की है। घोषणा पत्र में किसानों को उनके अधिकार के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य का समर्थन देना और उन्हें इसकी सुरक्षा का आश्वासन देना बताया गया है। एनसीपी ने किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना दिए जाने वाले 12,000 रुपए के अनुदान में वृद्धि की मांग की है, जिसमें केंद्र से 6,000 रुपए और राज्य सरकार से 6,000 रुपए शामिल है। इसके अलावा पार्टी ने मुद्रा योजना के तहत ऋण को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रयास करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं बिजली के पारंपरिक स्रोतों पर किसानों की निर्भरता को कम करने के लिए एनसीपी ने कहा कि बिजली आपूर्ति के स्थायी स्रोत प्रदान करने और सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और जल विद्युत परियोजनाओं आदि को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। मुंबई से मंगला वाघे की रिपोर्ट। आज के घोषणा पत्र का जो मुख्य प्रश्न है हमारा, वो हमारे विचारधारा का सबसे बड़ा सबूत है, जिसमें हम लोगों ने महाराष्ट्र की आन बान और शान छत्रपति शिवाजी के साथ हम लोगों ने महिला का प्रतिनिधित्व के लिए माँ अहिल्या देवी का हमने चित्र उस पर रखा है, और साथ ही साथ हम लोगों ने अपने अल्पसंख्यक भाइयों के लिए एक संदेश देने के लिए हमने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को भी उस पर लिया ये बता, और साथ ही साथ हमने महाराष्ट्र के संतों को भी उसमें समावेश किया। हमारी विचारधारा इन सारे लोगों से मिल के बनी हुई है, और हमारे घोषणा पत्र में हम लोगों ने इन्हीं वर्गों के उत्थान के लिए पूरे के पूरे कार्यक्रम दिए हैं, और हम लोगों ने बताया कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के लिए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नीतियों की और राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के समर्थकों की जरूरत है, उसका हम लोगों ने उसमें पूरा हिसाब दिया।